सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। पाकिस्तानी सीरियलों में देखकर उन नापाक अदाकाराओं को तुम भी ब्यूटी पार्लर तक पहुंच रही हो और फिर कहां? अगर किसी औरत से भी तुम मेकअप करवाओ तो वो भी तो जायज न था, इसलिए कि जो मेकअप के सामान है उसमें कितनी जायज चीजें मिली हुई है ये उलमा जानते हैं। वो अल्कोहल की आमेजिश, वो शराब की आमेजिश, हमारे उलमा के नजदीक तो अल्कोहल शराब के ही हुक्म में है। तुम अपने चेहरों पे लगाती हो, अपने चेहरों की अहमियत को समझो। अगर कोई औरत भी तुम्हारा इन नाजायज हराम चीजों से मेकअप कराए तो भी तुम जहन्नमी बन रही हो। चे जाए के मर्द, और हिंदुस्तान में तो उन मर्दों के हाथ से करा रही हो जिनका इस्लाम से भी ताल्लुक नहीं। क्या सूरत हाल है? अरे जवान होने के बाद जब तेरा बाप तेरे गाल नहीं छू सकता, इस्लाम की एहतियात यह है। मैं उस पर नाजायज और हराम नहीं कह रहा हूं, इस्लाम कहता है कि बेटी जवान हो जाए तो बाप के लिए एहतियात यह है कि बाप अपनी बेटी के बदन को छूने से एहतियात किया करे, इसलिए कि इंसान पर हर वक्त एक कैफियत नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के बदन को कोई बाप छू दे और शैतान उस पर गालिब आ जाए। ये एहतियात है। इस्लाम दूर जाकर के जो नुकसान होने वाला होता है पहले ही कई किलोमीटर दूर इंसान को उस नुकसान से रोक देता है। हमारे मजहब की ये एहतियात है, बीमार पड़ के इलाज कराने की बजाय हमारा मजहब कहता है गिजाओ ही से एहतियात कर लो ताकि तुम बीमारी ही से बच जाओ। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जो मजहब तुम्हारे भाइयों को इजाजत ना दे कि वो तुम्हारे होठों को और तुम्हारे गालों को छुए जवान होकर के, एक ऐसा इंसान जिसका कलमे से भी ताल्लुक नहीं, जिसका मजहब से भी ताल्लुक नहीं, मुंह खोलकर, सर खोलकर, हाथ खोल करके मेहंदी लगाने के लिए शादियों के नाम पे उसके सामने बैठ गई। सुन लो, अपने चेहरों को जहन्नम का ईंधन बनाने वाली ऐ खातून जन्नत की कनीजों, ऐ मेरी बहनों सुन लो, इस्लाम में चेहरे की इतनी अजमत है कि मेरा मजहब इस्लाम कहता है कि अपने बच्चों को भी उनके चेहरों पे ना मारा करो, अपनी बीबियों को भी उनके चेहरे पे ना मारा करो। सोचो तो सही, मजहब इस्लाम चेहरों पे मारने के लिए मना करता है लेकिन तुम चेहरे बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का रुख कर रही हो, ना महरमों के पास जा रही हो, मेहंदियां लगवाने के लिए ना महरमों के पास जा रही हो। तो ये चेहरा जब जहन्नम का ईंधन बनेगा, जब इस चेहरे को अल्लाह अकबर जैसे मुर्ग को तंदूरी में भूंदा जाता है, उलट पलट किया जाता है, कुरान कहता है जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो उनके चेहरों को जहन्नम की आग में उलट पलट किया जाएगा। और ऐ खातून जन्नत की कनीजों, सिर्फ दो जुमले सुनने के लिए अपनी किसी सहेली से, दो जुमले सुनने के लिए अपने किसी खानदान के फर्द से, तुम क्या खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल हूबहू फला हीरोइन की तरह लग रही हो। इतना सुनने के लिए तुम अपने आप को जहन्नम में डलवा रही हो। मैं तो कहता हूं अगर कोई किसी औरत को हीरोइन कहे और किसी मर्द को हीरो कहे तो आज की तारीख में ये हमारे लिए गाली से कम नहीं है। हाँ, हमारे लिए सीना फुलाने का वक्त उस वक्त है जब कोई हमें कहे कि तुझे देख के लग रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कैसे होंगे, तब हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। और किसी बेटी को देख करके कोई कहे कि तुझे देख कर तो राबिया बसरी याद आ रही है, तब वो दिन उस बेटी के लिए खुशी का दिन है। ये तो गाली है। हीरोइन किसे कहते हैं, हीरो किसे कहते हैं? नाचने वालों को, स्क्रीन पर आकर जिना करने वालों को, पाप करने वालों को, जहन्नम के रास्ते पे लोगों को ले जाने वालों को, शराबियों को, सानियों को, पैसों की खातिर स्क्रीन पर आकर के नापाक काम करने वालों को आज हीरो हीरोइन कहते हैं। और
और तुम वो जुमलों के सुनने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जा रही हो। ऐ मेरी बहनों, आइए जरा तसव्वुर करो, किसी की शादी में या खुद की शादी में ब्यूटी पार्लर जाने से पहले थोड़ा तसव्वुर करना। एक तो ये कि जब जहन्नम में डाली जाओगी तो चेहरा जहन्नम के अंदर उलट पलट ऐसे किया जाएगा जैसे तंदूरी उल्टी पलटी जाती है, जैसे गोश्त भूनते वक्त उलट पलट किया जाता है। और तुम जानती हो ये जहन्नम क्या है? जहन्नम वो है कि दुनिया की आग से 70 या 69 दर्जा ज्यादा जहन्नम की आग में हरारत है। है हिम्मत अपने चेहरे पर खूबसूरती का लेबल लगाने वाली मेरी बहन, अपने बालों की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, बेपर्दा खोम करके अपने बड़ों बाप ने बड़े बालों के लिए खराज वसूल करने वाली मेरी बहन, ये दुनिया 2 दिन की है। जब तेरे वजूद को जहन्नम में डाला जाएगा तो जिस जहन्नम में पहाड़ पिघल जाएंगे उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम से नबियों ने पना मांगी उस जहन्नम में तेरे जिस्म का क्या होगा? जिस जहन्नम की हरारत को आसमान और जमीन बर्दाश्त नहीं कर सकते उस वक्त तेरे इस जिस्म का क्या होगा? याद रखना, दौलत के नशे में, जवानी के गुरूर में तू अल्लाह को कितना ही चैलेंज कर ले, अल्लाह तुझे मोहलत दे रहा है, अल्लाह तुझे वक्त दे रहा है। ऐ मेरी बहन तौबा कर ले, वरना याद रख, जरा सोच तो सही, तूने बहुतों को मरते देखा होगा, कभी अपनी माँ को मरते देखा, कभी अपनी सास को मरते देखा, कभी बहनों को मरते देखा, कभी पड़ोसियों को मरते देखा। ऐ मेरे आका अली सलाम की कनीजो, एक दिन तुम भी मरोगी। कभी आंख बंद करके ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले, बेपर्दा घूमने से पहले, किसी अजनबी मर्द से फोन पर लंबी गुफ्तगू करने से पहले, या माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात कायम करने से पहले 1 मिनट बैठकर अपने कमरे में सोच ले, आंख बंद करके, तू भी मरेगी, तेरी रूह का जिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा, जैसे औरों का टूटा है मेरी बहन, तेरा भी रूह का रिश्ता तेरे जिस्म से टूट जाएगा। फिर याद कर वो ज़ेवरात जिस पे तू घमंड करती थी, एक एक तार उतार लिया जाएगा, वो कपड़े जिसके मुतालबे के लिए तू शोहर से लड़ती थी, तू माँ बाप से बगावत करती थी, तू अपनी अबरू का सौदा भी जिसके लिए कर लेती थी, वो तेरे कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। है कोई ऐसी औरत जो कीमती कपड़ों के साथ दुनिया से गई है? है कोई ऐसी औरत जो जेवरात के साथ दुनिया से गई है? नहीं नहीं मेरी बहन, ये 2 दिन की मक्कार दुनिया है, ये 2 दिन की फरेबी दुनिया है। अल्लाह हु अकबर, तेरे जेवर तुझसे उतारे जाएंगे, तेरे कीमती कपड़े तुझसे उतारे जाएंगे, और एक वक्त आएगा फिर तुझे गुस्ल दिया जाएगा। वो गुस्ल का मंजर याद कर ले, ब्यूटी पार्लर की कुर्सी पे बैठने से पहले वो वक्त याद कर जब इसी चेहरे को कोई गसाला, कोई गुस्ल देने वाली औरत तेरे जिस्म को नहलाएगी, तेरे जिस्म को धुलाएगी, और उसके बाद एक ऐसा सफेद और मगमूम कपड़ा जिसे कफन कहते हैं, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े तुर्रम लर्जा बरंदाम होते हैं, अल्लाह अकबर, उसमें तुझे लपेट दिया जाएगा, और लपेटने के बाद फिर तुझे चंद के कांधों पे सवार करके शहरे खामोशा में लिटा दिया जाएगा। कीमती मोहल्लों का एड्रेस देते वक्त गुरूर करने वाली मेरी बहन, तेरे असल घर का पता कब्रस्तान है, तेरे असल घर का पता शहरे खामोशा है, तेरे असल घर का पता कब्र है, कब्र, इतनी छोटी सी कब्र जिसे 2 गज जमीन कहते हैं, जहां नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, दाएं भी मिट्टी है, बाएं भी मिट्टी है, आगे भी मिट्टी और पीछे भी मिट्टी, यहां बाप और मां की आगोश में सोने वालियों, यहां शोहर की आगोश में अल्लाह अकबर मोहब्बत का लुत्फ लेकर खुदा को भूलने वालियों, और बढ़ करके बड़ी माजरत के साथ कह दूं, बल्कि अब तो नाजायज गोद के अंदर गुनाह की लज्जतों की खातिर खुदा को जंग का चैलेंज करने वाली खवातीन उस कब्र की तारीख रात को याद कर, जिसको याद करके जन्नती लोग रोते रहे, जिसको याद करके मौला अली जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके उस्माने गनी जैसे लोग रोते रहे, जिसको याद करके सिद्दीक और फारूक जैसे लोग रोते रहे, उस कब्र को याद करके जन्नती जवानों के सरदार हसन
हसन और हुसैन रोते रहे, जिसको याद करके रसूलुल्लाह की चहेती शहजादी बल्कि फिरदौस से बड़ी सैयदा फातिमा रोती रही। जब वहां इतने नेक नेक लोग रोते हैं और नेक लोगों के पीते पानी होते हैं, तो जानिया औरतों का क्या होगा, पापिया औरतों का क्या होगा। अल्लाह अकबर, वो खवातीन जो शादियों के मौके पर आप मेहंदी के नाम पर अपना हाथ किसी नामहरम के हाथ में दे दे, तुम्हें शर्म ना आई? अल्लाह के नबी का ये फरमान तुम्हारे कानों तक ना पहुंचा? मेरे आका फरमाते हैं, जिस औरत का हाथ किसी मर्द के हाथ से टच हो जाए, उस पे सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो जहन्नम के दहकते हुए शोलों का हक है। अगर खुद के चूल्हे से चटका लग जाए तो दिन दिन भर बेचैनी में गुजरता है। जब किसी के हाथ में मेहंदी की शक्ल में तुमने अपना हाथ दिया, और मैं तो अगर वो मर्द मौजूद होते, बेगैरत बेशर्म मर्द, तो उनको पुकार पुकार कर कहता, तुम्हारी गैरत कहां गई? मोहल्ले में कोई तिरछी नजर से देखे तो उसका मर्डर करने भागते हो, और मेहंदी के नाम पर गैर महरमों के मांडियों पे अपनी बेटी और बीवी और अपनी बहन का हाथ रखते हुए उनकी गैरत कहां चली जाती है? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हया के जरिए से ईमान नापा जाएगा, जिसमें जितनी हया होगी उसका ईमान उतना मजबूत होगा, और जो जितना बेहया होगा वो इतना ही बेईमान होगा। कहां गया ईमान? आओ रात की तारीकी कब्र की याद करो, गुस्ल देने का वक्त याद करो, और कब्र को फिर तुम्हें दबाना याद करो। वो कब्र की तारीक रात और वो कब्र का चारों तरफ से दबाना, और अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि जब कब्र दबाएगी तो इस तरह दबाएगी कि दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, जवानी ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है, कीमती मकान ही सब कुछ नहीं है, ये जिंदगी सब कुछ नहीं है। अल्लाह ने बहुत मोहलत दे दी, और याद रखना मौत की तलवार सबके सरों पे लटक रही है। जब मौत की तलवार जिस्म का रिश्ता रूह से तोड़ देगी, ना भाई होगा, ना भाइयों का प्यार होगा, ना बेटा होगा, ना बेटों का प्यार होगा, ना बाप होगा, ना बाप का प्यार होगा, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें वरगलाने नहीं आया, बाप भी तुम्हारे मरने के बाद आंसू पोंछ कर कब्रिस्तान डाल आएगा, माँ भी रोते रोते दुपट्टे से आंसू पोंछते रह जाएगी, शौहर भी रोता रहेगा, चंद दिनों के बाद वो भी भूल जाएगा। मेरी बहन, अपनी कब्र में अपने अकेले उन मामलात को झेलना है। याद रखो, इस फानी दुनिया में जिनको हल्दी और चंदन से नहलाया गया, उन औरतों की कब्रों का निशान आज मौजूद नहीं है। मेरी बहनों, जिनकी हजारा हजार कनीजें थी, आज उनको कोई नाम लेने वाला नहीं है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, कुछ नहीं है दौलत, और हमें हदीस पाक में बताया गया, मौला मुश्किल खुशा सैयदना अली के मुर्तजा का कौल है, जिसको गौसे पाक ने भी बयान फरमाया, फरमाया ऐ इंसान, दुनिया में तेरा कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपना क्या है? तीन चीजें दुनिया की अपनी है बस, उसके सिवा चौथी कोई चीज अपनी नहीं है। जो खा के हजम कर लिया वो अपना है, जो पहन कर फाड़ दिया वो अपना है, और जो आखिरत के लिए अमाल कर लिया वो अपना है, उसके सिवा अपना कुछ नहीं है। बिल्डिंगे छोड़ जाओगे, माल छोड़ जाओगे, अयाल छोड़ जाओगे, जेवरात छोड़ जाओगे, अब मेरी बहनों करना क्या है? उनवान तो बड़ा तवील है, लेकिन करना क्या है? आओ, बहुत दूर हो गए अल्लाह से, बहुत दूर हो गए अल्लाह के रसूल से, बहुत दूर हो गए दीन से, बहुत दूर हो गए कुरान से। याद रखना, जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है, जिनकी जवानी गुनाहों में गुजरती है, उनका बुढ़ापा बड़ा इबरतनाक होता है। जब चेहरे पे झुर्रियां पड़ेगी, जब बुढ़ापे में घुटने दुखेंगे, जब बुढ़ापे में कमर की तकलीफ होगी, जब बुढ़ापे में आंखों की नजरें कमजोर हो जाएगी, निगाह कमजोर हो जाएगी, तब अपने गुनाहों को याद करके बिस्तर में चादरों में छुप छुप के रोओगे। लेकिन याद रखना, अल्लाह के यहां जब बूढ़े बैल को कबूल नहीं किया जाता, कुर्बानी के लिए भी अल्लाह का कानून है, अगर कुर्बानी के लिए कोई जानवर भी लाया जाए तो जवान लाया जाए, जवान, बुढ़ा जानवर जिसकी हड्डियां भी खत्म हो गई, हड्डियों के गुदे भी खत्म हो गए, अल्लाह कहता मैंने वो कबूल नहीं करना।
तो जब कुर्बानी के लिए जानवर अल्लाह बुड्ढा कबूल नहीं करता, अगर तुम सोचती हो कि जवानी में सारे पाप करके बुढ़ापे में राबिया बसरी बन जाएगी तो ये कैसे हो सकता है? जवानी में तुम नहीं सुधरोगी तो बुढ़ापे में अल्लाह तुम्हें नई मोहलत देगा। इसका याद रखना, उनकी जिंदगियां इबरतनाक हो गई। इसलिए सुधरना हो तो आज, पलटना हो तो आज, तौबा करना हो तो आज, अल्लाह की बारगाह में रुजू करना